दोस्तों आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए मैदान पर तूफान आया रिंकू सिंह का, जबकि रिंकू सिंह ने पहले तो 6 गेंदों में 7 छक्के ठोककर युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड तहस नहस कर दिया और मैच इतनी गेंदों में उड़ा दिए 84 रन। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं रिंकू सिंह की भयंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए 5 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा डुप्लेसिस ने 75 रन की तूफानी पारी खेली तो वहीं किंग कोहली ने 45 रन का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए केकेआर की टीम जब मैदान पर आई तो केकेआर की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि दोस्तों 35 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद दोस्तों नितेश राणा ने 15 रन का योगदान दिया तो वहीं वेंकटेश अय्यर ने 45 रन का योगदान दिया और इस मुकाबले को केकेआर की टीम 100% आने वाली थी, जबकि रिंकू सिंह ने पहले तो मोहम्मद सिराज की 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के ठोके और टोटल मात्र 23 गेंदों का सामना करने के बाद 84 रन की तूफानी पारी खेल डाली और इस मुकाबले को अकेले दम पर केकेआर की टीम के लिए रिंकू सिंह ने आसानी से जिता दिया। दोस्तों ये तो एक प्रैक्टिस मुकाबला था, जबकि असली मुकाबला तो आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से खेला जाएगा।